हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ज्योति में। किमी मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बताने वाली हूँ, स्वेटर का डिज़ाइन। इससे पहले वीडियो में आपको 4 डिज़ाइन बता चुकी हूँ, अब मैं 5वां डिज़ाइन बताने वाली हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ 5वां डिज़ाइन बनाना। एक फंदे मैं ऐसे शुरू वाला ऐसे निकाल लेती हूँ और एक फंदे को मैं यहाँ गांठ बना लेती हूँ। ये मैं एक फंदे को गांठ बना ली हूँ। अब क्या करती हूँ, ये तीन फंदे को ऊन जो है उसको पीछे कर लेती हूँ और ये तीन फंदे को मैं सिलाई डाल देती हूँ और तीन फंदे में ऐसे डाल दी हूँ। अब ये धागा जो है इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये मैं एक निकाल चुकी हूँ, फिर मैं आगे कर लेती हूँ और ये इस तीन फंदे में डाल देती हूँ और फिर धागा ऐसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैं तीन फंदे में डाली थी और तीन फंदा से मैं निकाल ली हूँ ये तीन फंदा। फिर ये मैं धागा आगे कर रही हूँ और एक फंदे को ऐसे गांठ बना लेती हूँ, उल्टा बना लेती हूँ। फिर मैं धागा को पीछे कर देती हूँ और तीन फंदे में ऐसे ही फिर डालती हूँ और ये धागा ऐसे करके ये तीन फंदे से मैं निकाल ली हूँ। फिर धागा को क्या करते हैं, आगे करते हैं और तीन फंदे में ऐसे ही डाल देते हैं और ऐसे निकाल लेते हैं। ये मैं तीन फंदे में डाली हूँ और तीन फंदे निकाली हूँ। देखिए आप, मैं तीन फंदे में डाली हूँ और तीन फंदे निकल चुका है। फिर मैं ये तीन फंदे को गिरा देती हूँ और एक फंदे को मैं यहाँ उल्टा बना लेती हूँ। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं सेकंड सिलाई में आई हूँ। सेकंड सिलाई में क्या करना है, पूरे फंदे को उल्टा बना लेना है। इसमें कुछ नहीं करना है, डिजाइन आगे से पड़ता है इसमें और इस बैक साइड से डिजाइन नहीं पड़ेगा। पूरे फंदे को ऐसे ही उल्टा बना लेना है। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर थर्ड सिलाई में डिजाइन देना स्टार्ट करूँगी। देखिए, मैं थर्ड सिलाई में आ चुकी हूँ। इसमें क्या करना है, आप ये देखिए, शुरू वाले फंदे को मैं ऐसे ही निकाल ली थी और सेकेंड फंदे को मैं गांठ बनाई थी और इस तीन फंदे में मैं फूल बनाई थी। इस बार क्या करना है, ये तीन फंदे को जो फूल बनाई थी, ये बीच वाले फंदे को हमको गांठ बनाना है। गांठ बनाने के ये बीच वाले फंदे को गांठ बनाना है और ये तीन फंदा जो इधर बचा है, तीनों फंदे को मैं फूल बना लेती हूँ। ये मैं तीन फंदे को फूल बना लेती हूँ। फिर धागा को आगे करना है और ये फंदा जो है इसको क्या करना, उल्टा बना लेना है, गांठ बना लेना है। फिर धागा को पीछे कर लेती हूँ और ये तीन फंदे को फूल बना लेती हूँ। इसी तरह तीन फंदे को ऐसे फूल बनाऊंगी और धागा को आगे करके एक फंदे को उल्टा बना लूँगी, गांठ बना लूँगी। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, तीन सिलाई मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं चौथी सिलाई में आई हूँ। चौथी सिलाई में क्या करना है, पूरे फंदे को ऐसे ही गांठ बना लेना है, उल्टा बना लेना है। ये चार सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं पांचवी सिलाई में आई हूँ। पांचवी सिलाई में क्या करना है, इस फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और धागा को आगे करना है, एक फंदा को उल्टा बना लेना है, फिर धागा को पीछे करना है, फिर ये तीन फंदे में ऐसे सिलाई डालना है और तीन फंदे से तीन फंदा बना लेना है। देखिए, मैं एक फंदा बना ली हूँ। फिर धागा को आगे कर लेती हूँ और फिर इसमें तीन फंदे में डाल देती हूँ और ऐसे करके सिलाई निकाल लेती हूँ। ये देखिए, तीन फंदा से मैं डाली हूँ और तीन फंदा मैं बना ली हूँ। फिर धागा को आगे कर लेती हूँ, फिर मैं एक फंदे बना लेती हूँ, फिर धागा को पीछे करना है, फिर तीन फंदे में ऐसे करके मैं डालती हूँ और तीन फंदे से फिर मैं तीन फंदे निकाल लेती हूँ।
ये तीन फंदे मैं निकाल ली हूँ। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए डिजाइन मेरा बनना शुरू हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन बन रहा है। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं पांच सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं छठी सिलाई में आई हूँ। छठी सिलाई में क्या करना है, पूरे फंदे को गांठ बना लेना है, उल्टा बना लेना है। इसमें कुछ नहीं करना है आगे, बस पूरे फंदे को ऐसे ही गांठ बना लेते हैं। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं फिर ये सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। इस सिलाई में फिर क्या करना है, तीन फंदे को ऐसे डिजाइन बना लेना है। फिर धागा को आगे करना है और एक फंदे को गांठ बना लेना है। ये देखिए मैं तीन फंदे बनाई थी, एक मैं इस फंदे डिजाइन में डाल दी हूँ और ये बीच वाला फंदा है और ये सेकेंड वाला फंदा है। ये तीन फंदा है, इस बीच वाले फंदे को मैं गांठ बना लेती हूँ। फिर मैं धागा पीछे कर लेती हूँ और तीन फंदे को डिजाइन बना लेती हूँ। ये तीन फंदे में मैं डाली थी और तीन फंदे में बना ली हूँ। फिर मैं धागा को आगे कर लेती हूँ, एक फंदे को गांठ बना लेती हूँ, फिर धागा पीछे कर लेती हूँ और तीन फंदे को ऐसे ही डिजाइन बना लेती हूँ। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं इस साइड से उल्टी सिलाई में पूरे फंदे को गांठ बना लेती हूँ, उल्टा बना लेती हूँ। इसी तरह मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा बना के। ये देखिए दोस्तों, ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन बना है। आप इसी तरह लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, कोई भी स्वेटर में डाल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन बना है। आप इसी तरह तीन फंदे में डालते रहिए और एक फंदा को गांठ बना लीजिए। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। बस डिजाइन इसी तरह से बनता है। देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन चुका है। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।